Hey everyone, हम लोग आ गए हैं लखनऊ और लखनऊ में किसके घर आए हैं ये अभी आपको पता चलने वाला है और ये सरप्राइज है। किधर चलना है हम लोगों को? इधर। हाँ बस सरप्राइज है, बने रहिए, अभी देखना हाहा होती मजा आने वाली है आप लोगों को। कितनी देर लगेगा? अरे नहीं, दो मिनट बगल में हूँ मैं, आ गई आ गई। अच्छा, स्वागत है। नमस्ते आंटी। आओ बेटो चलते ना, थोड़ा सा मैंने सेटअप किया है, थोड़ा सा आओ बेटो चलते ना, आ जाओ। भैया शर्माइए नहीं है, हम लोग भी आम जनता ही है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं। इसका रीज़न ये है, जैसे ही घुसे वैसे ही बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ये जो भैया है साथ में हमारे, यहाँ पे प्लॉट बिक रहा है। तो एक्चुअली हम लोगों को लखनऊ में प्लॉट हम लोग ढूंढ रहे थे तुम लोगों को काफ़ी समय से, तो ट्रस्ट नहीं होता ना हर किसी के ऊपर। ये भैया का यहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है, तो हमने सोचा कि प्लॉट देख लेते हैं, क्योंकि अब लगे हर दो काम हो जाते हैं। अगर प्लॉट अच्छा लग गया तो हम लोग उसको भी पसंद कर लेंगे, तो नेक्स्ट बार कभी आएंगे तो हम लोग परचेज कर सकेंगे। तो इसलिए देख लीजिएगा, इतनी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे दीपिका जो है वो पहले पानी नहीं पिलाई है, पहले हमको धूप में टहला रही है, और धूप से ही मैं आई हूँ। तो पहले चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलो प्लॉट देख लेते हैं। पर रियल में सुंदर हो। तो फ्रेंड्स मेरी तारीफ हो चुकी है मेरी ब्यूटी की, और ये तारीफ में ये बोली है कि मैं कैमरे से ज्यादा सुंदर हूं। हां हो। पर देखो जीजा को कब कभी छोड़ गई थी। आ जाओ आ जाओ, किधर जाना हम लोगों को? ये प्लॉट यही है। मैं मेरे दिमाग में ना बहुत दिन से ये चीज चल रही थी कि मुझे ये प्लॉट लेना है पार्लर के लिए। अच्छा, इतनी मेहनत पक्की हो रही है ना। हां वो तो कोई, और ये मेरा मकान हो गया, इधर पार्क बनेगा, कभी नीचे से बनेगा। ये है आपका, पीछे का पूरा यहां तक है। अब हम लोग जब आए हैं तो ये मेन रोड ये सामने है, लॉगिंग कर लो ना तुम भी। ये है आपका रास्ता यहाँ पे है, वो तो हम लोग आपको ये मेन है, ये मॉल है, बताती हूँ। इतना हो गया ठीक है, अभी हम इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हुए। देखो एक प्लॉट इनका डन है, इधर एक मेरा डन है, एक आपका हो जाएगा। आप मुझे बस एक अच्छा सा मुझे बताने देने वाला रेट बता दीजिए। अरे तुम कैसे दे? तो फ्रेंड्स शायद आप लोग पहचान रहे होंगे, शायद कुछ लोग नहीं भी पहचान रहे होंगे, दोनों चीज़ें होगी यहाँ पे, 50-50% होगा। तो यहाँ पे आए हैं, ये है ये है दीपिका शुक्ला, इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, और यूट्यूब पे अभी इन्होंने जल्दी में आई हैं, तो यहाँ पे आए हैं उनसे मिलने के लिए। इसके मिलने का क्या रीज़न था कि मेरा अपना काम था, मैं तो आपको पहले ब्लॉग पे बताई थी, तो फिर इसको पता चला तो ये कही कि दीदी मैं भी लखनऊ आई हूँ, मुझसे भी मिल लीजिए। तो बाहर इन लोग रहते तो हैं गोरखपुर में, इनके हस्बैंड की पोस्टिंग है, पर इस समय इन लोग ने लखनऊ में भी अपना फ्लैट ले लिया। तो ये भी फ्लैट एकदम नया है, तो यहाँ पे बहुत व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल इन्होंने जैसे तैसे करके घर से अपनी मतलब मम्मी के घर से खाना लाए थे, तो कढ़ी चावल लाए थे, तो वही सब खा पी रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पे मिलने के लिए और भी लोग आ गए थे। हो रही है तो ये यहाँ पे पता नहीं क्या ये इनके गिरा हुआ, क्या है गिरा है ये कड़ी? अच्छा
एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि मैं बहुत कम समय के लिए लखनऊ आई थी और मेरे पास काम ज़्यादा था। यहाँ पे इनसे मिलने के बाद थोड़ी टाइम हम यहाँ पे मिले, फिर उसके बाद यहाँ से निकलना भी था। तो उसके बाद दीपिका कहीं कुछ दीदी रील्स बना लीजिए एक मेमोरी के लिए, हमने कहा चलो चलते हैं। तो हम लोग बाहर जा करके रील्स बनाना शुरू कर दिए। नमस्कार, आप कर लेना। रोने का अच्छा करेंगे आप, रोने का करोगे, हंसने का, एक लोग हंसने का करो, एक लोग रोने का, ये हंसने का मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। पहला ये हंसने वाला रहा, ये हंसने वाला रावण में सिंबल, मैं ये डरवा रही हूँ, ये वाला करूंगी, चलेगा ना? चलो चलेगा ये वाला, चलो भैया। तो खाली फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वीडियो शूट हो रहा है, कुछ रील्स वगैरह बनाई जा रही है, बताना जंपिंग तो नहीं करनी है। तो फाली गाइस यहाँ पे हंसी मजाक होने के बाद किसी तरीके से ठंडा पानी दी है पीने के लिए नींबू गाढ़ के, इसमें थोड़ा सा सोडा मिला दिए ताकि इसकी बुलबुले उठती रहे। तो बताएं कि आप वीडियो में सोशल मीडिया पर बताया जाएगा कि हम आए थे शिष्य आयुष, तो उनको हमने दिया है कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट है। और दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि मैंने स्प्राइट नहीं दी, मैंने दिया है इनको स्प्राइट। उसके बाद मैंने कढ़ी चावल रहता कद्दू की सब्जी, क्योंकि मैं रायबरेली से हूँ तो मैं कद्दू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और वैसे भी बोलते हैं पंडितों के घर में कद्दू है, ये रायबरेली सही है। मैं बैसवारा से हूँ, ये वो हूँ सही ना, इनकी नानी है। अरे नहीं, हमारी दादी वही फ्रेंड से समुद्र मंथन में हुई है। दोस्तों इनकी बातों पे मत आना, हुई है तो ये मेरे जीजा हैं, ऐसा बोलते रहते। मैं आपको रियलिटी अब बताने जा रही हूँ। मेरा गांव है भोजपुर के पास, दूलापुर मेरा नानी का गांव है, कोडरा मेरी दादी का गांव है, बाकी रायबरेली मेरा खानदान है, सब रिश्तेदार मतलब रायबरेली। ठीक है, ये मेरे जीजा है, मेरी दीदी, इन्होंने मुझे गोद लिया है, देख लो बता दो हम बड़े ये। नहीं मतलब जो छोटी बहन होती है वो हमेशा बड़ी ही दिखती है, ये हमेशा का है, और जो बड़ी बहन होती है हमेशा छोटी दिखती है, ऐसा होता है मोस्टली। आपके साथ चलेगा कर लेंगे दीदी सर, देख लो आपके सामने बोल रहे हैं हमसे, ठीक है चलो भैया। भैया छोड़ दीजिए काम दिन को रायबरेली, जाए रहे जाए रहे, झूठ की बुनियाद पे रुकी हुई है। ए सुनो ज्यादा बकवास मत करना, समझे? सोशल मीडिया के सामने जो कभी आपने नहीं देखा वो खुला राज आज बताने जा रही हूँ। ये इतनी प्यारी है कि मतलब सोशल मीडिया में बिल्कुल भी वैसा ये नहीं दिखती, कम प्यारी दिखती है। रियल लाइफ में ज्यादा प्यारी हो ये तो बहुत कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, ये इनके प्यारे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों की जोड़ी प्यारी प्यारा की जोड़ी है। तो फाइनली दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे षष्ठी आयुष को आप देखते हो सोशल मीडिया में, ये उससे भी अच्छे हैं, और मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अगर यहाँ पे दीपिका की बात की जाए ना, तो दीपिका का जो स्वभाव है ना वो बच्चों वाला है, मतलब ये ऐसा नहीं कि इनके सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ हमको करना पड़ता, मुझे जानते बहुत शो ऑफ और मतलब बहुत आर्टिफिशियल लोग नहीं पसंद आते हैं। तो दीपिका का नेचर जो है ना थोड़ा सा घरेलू बन के, पहली बार हम मिले थे ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ पहली बार मिले थे, जैसे होता नहीं कि हम उसके सामने ज़्यादा खुल के रह पाते जिसको बुरा ना लगे हंसी मजाक, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसको हंसी मजाक भी समझ नहीं आती है, उनको हंसी मजाक भी बुरा ही लग जाता है, वो अलग ही टोन में लेके चले जाते हैं। पर दीपिका का नेचर ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो जाती है, मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती ही नहीं है। बहरहाल हम दीपिका से पहली बार मिले थे, मगर बहुत अच्छा नेचर, इनके हस्बैंड का तो बहुत ही अच्छा नेचर है। और ये जो स्काई ब्लू में लड़की है इसका नाम रोमी है, ये भी यूट्यूब पे ये भी नहीं है मगर इंस्टाग्राम पे इनका अच्छे फॉलोअर्स है। बहरहाल इन सबसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके, और आज समय बहुत कम था इसलिए लोग से विदा लेते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं।